तो दोस्तों बहुत दिन बाद घर जा रहा हूँ, सो फीलिंग सो मच एक्साइटेड। एक्चुअली खाना इतने दिन से इजिप्शियन खाना खाते खाते तो पूरा पक चुका हूँ, अब थोड़ा सा देसी खाना भी चाहिए। और हाँ, अभी मैं पहुँच चुका हूँ मस्कट, काइडो से मैं आ चुका हूँ मस्कट, और मस्कट का जो एयरपोर्ट में अभी लैंड हो चुका हूँ। यहाँ से 2-3 घंटे का लेआउट के बाद दूसरा प्लेन पकड़ के मुझको जाना है इंडिया, मीन्स मुंबई। एक्चुअली कायरो एयरपोर्ट में मैं करना चाहता था बहुत सारे वीडियो, बट कायरो एयरपोर्ट बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर कायरो एयरपोर्ट में अगर वीडियो बनाते हुए मैं पकड़ा जाता तो शायद डांट पड़ती। वहाँ का जो ऑफिसर से बहुत ही एग्रेसिव है, एंड द मेन प्रॉब्लम दैट आई फेस दैट इज़ उन लोग इंग्लिश नहीं आता है, और इंडियंस को देख कर वो समझते हैं वो लोग भी इजिप्शियन है, किस हम लोग का लुक्स थोड़ा सा सेम है मीन्स इजिप्शियन एंड इंडियन को। तो स्टार्टिंग में वो लोग इजिप्शियन लैंग्वेज में ही बात शुरू कर देते हैं, तो अगर आप इजिप्शियन समझ में नहीं आता है, अरबियन समझ में नहीं आता है, तो जल्दी वो लोग गुस्सा भी हो जाता है। तो कायरो इंटरनेशनल एयरपोर्ट में मैंने मेरा कैमरा ऑन नहीं किया था इसलिए, तो अभी मैं मस्कट में आकर कैमरा को ऑन कर रहा हूँ, आप लोग के साथ बात कर रहा हूँ। और ये आ चुका हूँ मैं मस्कट एयरपोर्ट पर। एज आई टोल्ड यू गाइज, मस्कट एयरपोर्ट इज़ वर्किंग एज अ ट्रांजिट एयरपोर्ट। यहाँ पर मुझको बाहर जाने का परमिशन नहीं है, जस्ट यहाँ से एक जगह से दूसरे जगह में जाना, दूसरे टर्मिनल से दूसरे फ्लाइट पकड़ने के लिए। तो दिस एयरपोर्ट वर्क्स एज अ ट्रांजिट एयरपोर्ट। दोस्तों एक अंदर की बात बताऊँ, एक्चुअली जब मैं घर में रहता हूँ तो हर वक्त मेरा दिमाग में चलता रहता है कब घर से जाऊँ, कभी कहाँ एडवेंचर करने जाऊँ, कहाँ नया ट्रिप शुरू करूँ, ये दिमाग में चलता रहता है। पर जब घर से बाहर आता हूँ, कुछ ज़्यादा दिन घर से बाहर रहता हूँ, ट्रस्ट मी, आई मिस माई होम, आई स्पेसिफिकली मिस माई बेड, एंड तब घर की तो बहुत याद आता है। तो आज ऐसा लग रहा है बहुत दिन तक घर से बाहर था, तो मिसिंग माई होम, मिसिंग माई फैमिली, सो ट्रस्ट मी आज बहुत ही एक्साइटेड हूँ। और मस्कट एयरपोर्ट में जो बेस्ट चीज़ मुझको लगा, जो कस्टमर सर्विस में है, जो लोग हेल्प कर रहे हैं, वो लोग बहुत सारे लोग हिंदी में बात कर रहे हैं, शुद्ध हिंदी में। तो वो लोग के इंडियन हैं और इंडियन मूवी देख देख कर यहाँ के लोकल लोग हिंदी सीख गए हैं, मुझे पता नहीं, बट ये अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। मैंने खुद आँखों में जाने के बाद भी, जाने के टाइम में भी देखा, आते वक्त भी मैं देखा हूँ, तो बहुत सारे लोग हैं जो हिंदी में उन लोगों से बात कर रहे हैं, वो लोग रिप्लाई में भी हिंदी में ही दे रहे हैं। सभी 2-2.5 घंटे का लेआउट के बाद मेरा दूसरा फ्लाइट है, मैं चला जाऊंगा मुंबई। तो दोस्तों बोर्डिंग शुरू हो चुका है मस्कट से मुंबई जाने के लिए, सो चलिए घर चलते हैं। तो मैं फ़्लाइट में चढ़ चुका हूँ और यहाँ से 2-2.5 घंटे का जर्नी है मुंबई, तो फ़्लाइट में अभी 2-2.5 घंटे कैसे मैं स्पेंड करूँगा, चलिए आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स ये है मेरा सीट के सामने का स्क्रीन, और अभी मैं जा रहा हूँ इस ऑप्शन में, दैट इज़ द मूवीज़ में आप देख सकते हो बहुत सारे वर्ल्ड सिनेमा, न्यू अरबिक मूवी, हॉलीवुड मूवी, यूरोपियन मूवी, बॉलीवुड मूवी भी है, तो मुझको देखना है बॉलीवुड मूवी। देखते हैं बॉलीवुड मूवी में क्या क्या ऑप्शंस है। तो चलिए देखो, आ चुका है 2.0, ये बहुत सारे मूवी है, बागी 2, पुराने नए मिला के बहुत सारे मूवी है, चक दे इंडिया, तो गलत जगह प्रेस कर दिया, बॉलीवुड में फिट जाते हैं। आज मुझे देखना है कौन सा मूवी, सो गाइस एनी सजेशन, बहुत सारे मूवीज़ है बट आउट ऑफ दैट चलिए ज़्यादा 2.0 को चला लेते हैं। तो 2.0 देखते देखते मैं पहुंच जाऊंगा मुंबई।
एंड ऑफ द डे मैं पहुंच गया हूं छत्रपति शिवाजी टर्मिनल एयरपोर्ट मुंबई. तो सोच सकते हो, देख सकते हो, एक डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रैवल सिटीज़ ये था कायरो का. अब दुनिया में कहीं भी जाओ, किसी भी फर्स्ट डेवलप कंट्री में जाओ, उससे थोड़ा सा अलग है ये कायरो. ये इजिप्ट का सिटीज़, इसका कल्चर, इसका कॉन्सेप्ट, इसका हिस्टोरिकल फैक्ट्स, एवरीथिंग इज़ क्वाइट डिफरेंट. सो गाइज, ट्रस्ट मी, आई हैव एंजॉयड अ लॉट. कुछ बैड एक्सपीरियंस भी था, कुछ अच्छा एक्सपीरियंस था. जब मैं कंपेयर करता हूँ इन बिटवीन द बैड एक्सपीरियंस एंड गुड एक्सपीरियंस, ऑफकोर्स गुड एक्सपीरियंसेस ही ज़्यादा था. सो गाइज, एक बात तो है, एक एडवेंचर, एक जर्नी खत्म हो जाने का मतलब तो ये नहीं यहाँ पर जर्नी खत्म हो रहा है. इसका मतलब इट इज़ अ सिग्नल दैट अ नया डेस्टिनेशन जस्ट वेटिंग फॉर यू एंड मी. सो अभी घर जाना है, थोड़ा सा फ्रेश होना है, दो चार दिन रेस्ट लेने के बाद सोचना है, नया डेस्टिनेशन सिलेक्ट करना है. तो आपका भी अगर कोई सजेशन हो, आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो कौन सा देश आप देखना चाहते हो, कौन सा देश का कल्चर के बारे में आप जानना चाहते हो. अगर बजट में फिट रहा, अगर टाइम कन्वीनियंट रहा, तो ऑफकोर्स आई लाइक टू विजिट दैट कंट्री ऑल्सो. सो दोस्तों, अभी वीडियो यहाँ पर ही खत्म करते हैं. वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. सो दोस्तों, सी यू इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग एपिसोड.